मुस्लिम धर्म गुरु और जमीयते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर फिर से विवाद हो गया है और एक बहस भी छिड़ गई है। मौलाना मदनी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा है कि को एजुकेशन यानी बच्चे बच्चियों का साथ पढ़ना मुस्लिम लड़कियों को धर्म त्याग की ओर ले जा रहा है। मौलाना मदनी के मुताबिक इस पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक शिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए। देश में तेजी से फैल रहे धर्म त्याग के प्रलोभन को खतरा बताते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से शुरू किया गया है जिसके तहत मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और अगर इस प्रलोभन को रोकने के लिए फौरन और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हालात विस्फोटक हो सकते हैं। मौलाना मदनी का कहना है कि वो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं है बल्कि वो सह शिक्षा के खिलाफ है। मदनी का मानना है कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और मुस्लिम बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक को एजुकेशन पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मौलाना अरशद मदनी हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद से मिले थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, दोनों का खून एक बताया था, धर्म परिवर्तन को जबरन कराना गलत बताया था। अब मौलाना मदनी ने को एजुकेशन पर सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में मौलाना के बयान पर बवाल मचना तो लाजमी है। टाइम्स नॉन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।